तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा क्या सही में ऐसा एक वॉल्केनो आने वाला है जो हमारी पूरी दुनिया को उड़ा देगा, या ऑलरेडी वो आ चुका है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ बोलना चाहता हूँ, मैं आप लोगों को सस्पेंस में नहीं रखना चाहता, वो वॉल्केनो आ चुका है। पहला इरप्शन हो चुका है, दूसरा इरप्शन नहीं मालूम कितनी कितनी कंट्रीज उड़ा देगा। जो पहला इरप्शन हुआ है वो इतना डेंजरस है, मैं बताऊंगा इसका नाम क्या है और ये क्यों ट्रेंड हो रहा है। कितनी जगह तो आपको मालूम भी नहीं पड़ेगा कि क्या है, तो मैं आप लोग को सिर्फ एक्सप्लेन करूंगा कि क्या है। शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा, लॉन्ग वीडियो नहीं, तो एंजॉय करो, पूरी वीडियो देखो, बहुत मजा आएगी, और शेयर करो लोगों को, भाई ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। तो सबसे पहले तो मेरे को बोलना है, ये वॉल्केनो का नाम है टोंगा वॉल्केनो, और ये एक्चुअली फीजी आइलैंड और न्यूजीलैंड के पास था। कहते ये अंडर वाटर पानी के अंदर से निकला था और इसने इतना बड़ा इरप्शन कर दिया कि वो टोंगा जो एरिया था वो तो पूरा ख़त्म ही हो गया, प्लस फीजी तक पहुंच गए। और मालूम है आपको फीजी क्या है? फीजी वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल आइलैंड्स है। मैं खुद गया हूँ वहाँ पर, अगर मैं आपको सच बोलूँ तो इतना मेरे को ब्यूटीफुल नहीं लगा, मेरे को तो गोवा ही लग रहा था, गोवा और फीजी सेम लग रहा था झूठ के अलावा। वहाँ पर सब लोग हिंदी भी बोलते हैं और कहते हैं वो इंडियन, शायद इंडियन लोग के लिए ही बना था, वो इंडियन लोग ही वहाँ पर रहते, उन लोग शाहरुख खान सलमान खान को बहुत पसंद करते हैं। वहाँ पर मैं गया था तो वही बात चलती थी और कुछ दूसरी बात ही नहीं चलती थी। वो लोग इंडियंस को देख के इतना खुश हो जाते। सिर्फ एक चीज़ है कि अगर आप एयरपोर्ट पे जाएंगे ना तो आपको बहुत हैरान करेंगे, उन लोगों को लगेगा कि आप बसने आए हो यहाँ पर, बहुत सस्ता है। तो अगर आप इंडिया से फीजी जाते हो रहने हमेशा के लिए तो आप तो लग्जरी लाइफ स्टाइल जिएंगे। तो वैसे ही हम लोग गए थे, हम लोग को एयरपोर्ट पर पकड़ लिया था, मगर कुछ भी नहीं, और मतलब है ब्यूटीफुल, ऐसा नारियल पानी मिलता है, गोवा टाइप है मगर बड़ा गोवा समझ लो। अब ये जगह पे वो टोंगा इरप्शन हुआ है जो वॉल्केनो का है, वो इतना स्कैरी है, इतना स्कैरी कि मतलब न्यूजीलैंड तक बात चल रही है, न्यूजीलैंड भी आ सकता है। वो कहते ये तो फर्स्ट इरप्शन हुआ है, ऐसे 10 इरप्शन होने वाले, और कहते लास्ट का जो इरप्शन होगा पूरी हमारी वर्ल्ड को ख़त्म कर देगा। ब्लैक क्लाउड्स उसने ऑलरेडी लेके आए और बोले थे कि जब ब्लैक क्लाउड्स आ जाएंगे हमारी दुनिया में तो मतलब है ना एकदम सन दिखेगा ही नहीं, तो दिखेगा नहीं, क्रॉप्स नहीं आएंगे, जो हम फार्मर लोग करते वो लोग खाना ही नहीं बना पाएंगे, सनलाइट नहीं आएगी, तो हम रहेंगे कैसा, पूरी दुनिया ख़त्म हो जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं ये जो टोंगा इरप्शन हो रहा है वो शायद हमारी वर्ल्ड का एंडिंग का स्टार्ट हो चुका है। अगर आपको झूठ लग रहा है कि टोंगा इरप्शन हुआ है तो आप गूगल करके देख लो, मैंने यहाँ पर भी डाला होगा गूगल की फ़ोटो, ऐसा तो नहीं है कि नहीं डालूंगा, फिर भी अगर आप लोग को लगता है कि मैं झूठ डालूंगा, क्योंकि बहुत जान बोलते फुरकान हम झूठ वीडियोज़ बनाते हो, तो आप खुद चेक कर लो गूगल करके। टोंगा इरप्शन वो मतलब कैसा है मालूम है, पानी का बोलते जब, और वो ये कैसा रहता है, कुछ लोग तो ऐसा बोलते हैं कि जो पिराना मछली होती है जो लोगों को खाती है वो भी ये वॉल्केनो में से निकलती है। कहते ये टाइम तो नहीं निकली या निकली उन लोगों को दिखी नहीं, मगर बोले जब ये निकलती है ना तो वो पूरी एरिया, पूरा जितना भी डायमीटर है 10 किलोमीटर्स बंद कर देते, क्योंकि वो फिश 10 किलोमीटर तक लोगों को खा लेती। अब आप समझ रहे कितना डेंजरस है ये सिचुएशन। ये वॉल्केनो तो ठीक है, मगर वो पिराना आ गई तो दुनिया मतलब समझ रहे आपको भी खा जाएगी। वो सिर्फ उंगली रखते ना तो उंगली से लेकर आपकी जितनी मांस है फटाक से खा जाते उन लोग, बहुत स्मार्ट रहते उन लोग पिराना वॉल्केनो करके। तो ये था टोंगा इरप्शन के बारे में। अगर आपको कोई भी डाउट है कि इंडिया में कब आएगा तो मेरे को तो इतना नहीं मालूम, मैं इतना स्टडी नहीं किया हूँ कि वॉल्केनोस के ऊपर जो मैं बता पाऊँ आप लोग को, मगर ये टोंगा इरप्शन 100% हुआ है। आप लोगों को झूठ लगता है आप गूगल कर लो, याहू कर लो, जो चीज सीरी को पूछ लो, गूगल असिस्टेंट को पूछ लो, एक मिनट रुको वापस मैं पूछ के बताता हूँ, रुको। ओके गूगल, टोंगा इरप्शन by science. If you want to hear the next article, just say next. Tonga eruption was 500 times as forceful as Hiroshima nuke. NASA an eruption occurs at the underwater volcano Hunga Tonga Hunga Heape off Tonga, January 14th, 2022. Okay, Google, stop. तो ये बोल रही है कि जो टोंगा इरप्शन हुआ था 500 टाइम्स ज़्यादा पावरफुल न्यूक्लियर बम जो हिरोशिमा में गिरा था उससे ज़्यादा था। हिरोशिमा तो पूरा उड़ा दिया था एक एक बम ने, 500 टाइम्स ज़्यादा, सोचो, इमेजिन करो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर कर दो सब लोग को, कमेंट करो आपको नेक्स्ट क्या देखना है, शॉर्ट्स पे क्या देखना है, ये लॉन्ग फॉर्मेट अभी जो मैंने छोटा कर दिया उस पे क्या देखना है, या व्लॉग्स देखना है, जो भी आपको देखना है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। मैं लोगों को कमेंट्स में से चूज़ करके मेरे शॉर्ट्स पे भी डाल रहा हूँ, तो आप लोग को अच्छा लग रहा है तो और कमेंट करते रहो, आप लोग को डालते रहूँगा। शेयर करो थोड़ा, शेयर करेंगे ना तो मेरे को ज़्यादा रीच मिलेगी, और आप लोग को नहीं बोला आप लोग को तो और अमेजोन से फ्लिपकार्ट से जो खरीदना खरीदो, यूट्यूबर बनो, शॉर्ट्स बनाओ, वीडियो मज़ा आ जाएगी आप लोग को। और टोंगा इरप्शन बहुत डेंजरस है, न्यूज़ फैल रही नहीं है मगर ये है बहुत डेंजरस।